हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो नया अपडेट है उसके बारे में। थोड़ा मैं लेट हो गया, इस वजह से आपको वीडियो लेट मिल रही है। सीजीएल की एसएससी ने वैकेंसीज आउट कर दी हैं। हालांकि हम दिन भर आज ट्रेंड चलाते रहे सीजीएल 19 मार्क्स के लिए कि हमारे मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाएँ, और हम ये डिमांड करते रहे कि जो एसएससी के द्वारा हैं, एटलीस्ट सबसे पहले अगर आप मार्क्स डिक्लेयर करेंगे तो फिर हम आगे की बात कर सकते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या 18 तारीख के में कितना नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ा है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो इसलिए हमने आज दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड कराया #CGL19Marks और #ModiRozgar2। अब बात यह है कि एसएससी ने आज की शाम को एक अपडेट जरूर दिया है, बट वो हमारी डिमांड से कहीं पे मिलता जुलता नहीं है। कहीं हमारी डिमांड्स में ये नहीं था कि आप इस वैकेंसीज को डिक्लेयर करिए। आप दिन भर आज हम ट्वीट करते रहे, और दिन भर आज हम ट्रेंड भी करते रहे। करीब 3 मिलियन के आसपास ट्वीट्स हो गए थे बाय द एंड ऑफ द डे, और नंबर वन पे हम दिन भर बने भी रहे ट्रेंड्स में। कुछ मीडिया हाउसेस ने, ललन टॉप वगैरह ने कवर भी किया है, इस पे बात भी की है, बट मेजर मीडिया हाउसेस ने अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें कंटिन्यूसली लगे रहें। अगर हमारी आवाज़ ज़्यादा दिन तक गूंजेगी तो चीज़ें हमें कुछ पॉजिटिव वे में दिख सकती हैं और कुछ हमें फ़ायदा होता दिख सकता है। तो फिलहाल जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी ने वैकेंसीज जो आपकी डिक्लेयर हमारी बताई हैं कि कितनी वैकेंसीज हो गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब फॉर्म आया था तो वैकेंसीज आपकी कुछ 6,500 के आसपास थी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूँ, हो सकता है बाकी लोग आपको ये बात ना बताएं, बट एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टेंटेटिव, ठीक है। कैसी वैकेंसीज हैं ये? हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज का मतलब होता है कि अभी ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। देखिए, आपको खुद पता है भी 1 महीने पहले फॉर्म भरे गए हैं और तब नोटिफिकेशन आया था। उस समय वैकेंसी 6,500 के आसपास थी, अभी 7,000 के आसपास वो दिखा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द एग्जाम ये वैकेंसीज थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, इसकी आपको गारंटी मैं दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा ही वैकेंसीज आ जाती हैं बाय द एंड ऑफ द एग्जाम, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एसएससी क्या करती है। एसएससी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज का कलेक्शन करती है, ठीक है। जब सारे डिपार्टमेंट्स वो वैकेंसीज को रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद में ही आपके फाइनल वैकेंसीज डिसाइड होती हैं जब आपका रिजल्ट आता है उस समय। तो वैकेंसीज इसलिए रिपोर्ट होती रहती है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ऑडिट अकाउंट्स की WO की वैकेंसीज हैं, ये ग्रुप बी की वैकेंसीज होती हैं। टोटल आपकी 250 वैकेंसीज हैं। जनरल की 103 हैं, आपकी EWS की 25, SC की 37, OBC की 67 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और एक चीज़ और आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर ये भी देते हैं पे लेवल कितना है, एक तो ये भी क्लियरली लिखा हुआ है। एज लिमिट भी इसी PDF में लिखा होता है कि एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एज लिमिट वाले सवाल जो लोग पूछते हैं वो लोग भी इस लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप CPT DST देना है या नहीं देना है, वो भी आपको क्लियरली इस PDF में दिखता है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पर ये भी लिखा मिलता है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपको यहीं पर लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा CSS की वैकेंसीज हैं, ASO की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, इसकी टोटल 151 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको CPT देना होता है और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल हैं। इसके अलावा IB में ASO की वैकेंसीज हैं, ये सिर्फ 23 हैं। UR की 11 वैकेंसीज हैं, कम वैकेंसीज होती हैं, और इसमें 30 ईयर्स तक आपकी एज है। ये आपका पे लेवल है, पे लेवल इसका और इसका सेम है, यानी 4600 ग्रेड पे है। CPT इसके लिए नहीं देना होता है, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो जो बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं वो लोग फाइनल जब प्रेफरेंस मांगी जाती है तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि ये लोगों को नहीं भरना है। MEA की वैकेंसीज 89 हैं। इसके अलावा इसमें CPT देना है, आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि किसमें CPT देना है, किसमें नहीं देना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। इसके अलावा AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसीज हैं 88, इलेक्शन कमीशन की वैकेंसीज हैं 4, ये थोड़ा सा नया है, इलेक्शन कमीशन की जनरली इतनी वैकेंसी मतलब नहीं होती हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। CVC ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब होती है CVC की, इसमें आपकी 2 वैकेंसीज हैं, बहुत रेयर आती हैं इसकी वैकेंसीज, इस बार आई है मेरे जब 2016 में मैंने दिया था उस साल नहीं थी, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपकी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में वैकेंसीज आपको दिख सकती हैं, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं 202 वैकेंसीज हैं आपकी। इसके अलावा CBIC में आपकी टोटल 1200 वैकेंसीज आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं उसकी हैं। CBIC में ही प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आपकी 878 हैं। एग्जामिनर की वैकेंसीज इस साल कम है, 33 हैं।
आपकी इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ईडी में एएसओ की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 114। इसके अलावा सीबीआई में वैकेंसीज हैं, बहुत कम है इस बार, आपकी सिर्फ 11 वैकेंसीज ही हैं। इसमें आप यहाँ पर साइड में देखते जा सकते हैं कि किसमें सीपीटी चाहिए और किसमें सीपीटी, किसके लिए आपके कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल हैं या नहीं है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे की लिस्ट में और वैकेंसीज दी हुई हैं, एक सेकेंड रुकिए जरा, ठीक है। आगे की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी वैकेंसीज दी हुई हैं सिर्फ 43, ठीक है। आपका ऑडिटर की, डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं 400, ये अच्छी पोस्ट होती है, इसके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स भी सुटेबल हैं और सीपीटी भी नहीं चाहिए होता है, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। एनआईए में आपकी 11 वैकेंसीज हैं, आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसके लिए पेपर 3 देना होता है उसमें आपकी 401 वैकेंसीज हैं। आपकी ऑडिटर की जो सीएजी में है वो आपकी 500 वैकेंसीज हैं। ऑडिटर सीजीडीए में आपकी 260 वैकेंसीज हैं, इस साल काफ़ी कम है अभी। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी अकाउंटेंट की 661 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की यूडीसी की वैकेंसीज हैं 203। सीबीडीटी में टीए की वैकेंसीज हैं 1085, यानी कि टीए की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपको डीएसटी देना पड़ता है। और सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 354, इसके लिए भी डीएसटी देना पड़ता है और इसमें आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स भी सुटेबल हैं। इसके अलावा सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में सिर्फ 5 वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर की, तो ये आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं। इसके बाद ये जो वैकेंसीज दी गई हैं इन्हीं का ब्रेक दिया जाता है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इनको दिया गया इसी का को तोड़ के यहाँ पे बताते हैं किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो हैं वो आपकी अब 7035 हो गई हैं, 6,500 के आसपास रिपोर्ट हुई थी, अभी 7,000 हो गई हैं। बाय द एंड ऑफ एग्जाम ये आपकी 8,000 या 9,000 के आसपास हो जाएंगी, तो 1,000 वैकेंसीज एटलीस्ट अभी और बढ़ जाएंगी अब वेरियस डिपार्टमेंट्स में, अभी हो सकता है सीजीडीए में ही वैकेंसीज आपकी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के बारे में हो गई डिटेल, आप इसे जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ था, इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप लोगों ने बाकी जगह से देख ही लिया होगा, मैंने नहीं बताया पाया था तो मैं इसलिए लेट आया हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये आपकी वैकेंसीज हो गई हैं। वैकेंसीज को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नो डाउट वैकेंसीज कम हो रही हैं, आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, बट इफ़ यू सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, आपको 8,000 से 9,000 वैकेंसीज ही मिलती हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ट्विटर ट्रेंड जो आप देख रहे हैं ये चल रहा है एज इट इज़, आप इसे चलाते रहिए, #मोदी रोजगार 2, इसको आप एज इट इज़ चलाते रहिए। इसमें आज कल हमारी 24 तारीख हो जाएगी, तो आपकी कल हो जाएगी 24 तारीख, और 24 तारीख को भी हमें इसको चलाना है। इसके बाद 25 तारीख को आपको इसे भरसक चलाना है, #मोदी रोजगार 2 और #CGL19Marks, दोनों को ही हमें डिमांड करते रहना है, क्योंकि हमारी डिमांड CGL19 के मार्क्स की थी, उन्होंने आपकी CGL 2020 की वैकेंसीज आउट कर दी हैं, बाकी हमारी डिमांड्स पे कोई भी जवाब नहीं दिया है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से आपका क्रश भी आपको इग्नोर नहीं करता होगा जितनी बुरी तरीके से SSC हमें कर रही है। तो हमें अभी क्या करना है, लगातार लगे रहना है, पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई को हमें इफेक्ट नहीं होने देना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बेटा अगर हमारा एग्ज़ाम ही सही से नहीं होगा, हमारा प्रोसेस ही सही से नहीं होगा, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए थोड़ा समय आप इसमें भी दीजिए और पढ़ाई पे भी देते रहिए, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलने देते हैं, और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस बनाकर रखिए। सीजन 2020 की वैकेंसीज आउट हैं, एक अच्छी खबर भी है कि चलिए हमारी एटलीस्ट 7,000 वैकेंसीज हो गई हैं। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये बात पूरी पता चल गई होगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।